also. Okay. So welcome back to your dance class. So are you all ready for a dance? आज भी आप सब ready हो ना कुछ नया सीखने के लिए. Last class में हमने क्या किया था? Last class में हमने नमस्कार, कथक के नमस्कार सीखे और भरतनाट्यम में कैसे नमस्कार परफॉर्म करते हैं वो देखा. अभी आज क्या नया करने वाले हैं? आज क्या करेंगे हम? ओके, तो आज हम करने वाले हैं तीन ताल. कथक जो एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक, उसमें एक ताल परफॉर्म किया जाता है जिनको बोलते हैं तीन ताल, उसको त्रिताल भी बोला जाता है. ओके, तो ये जो तीन ताल है वो क्या होता है? तीन ताल है वो बहुत पॉपुलर ताल है. मीन्स हमारे हिंदुस्तान में जो म्यूजिकल फॉर्म है, म्यूजिकल म्यूजिक का जो संस्था है उसमें तीन ताल बहुत बेसिक है. मीन्स कोई भी जगह की शुरुआत, जैसे कि तबला हो या हारमोनियम हो या फिर हम पैर से अगर कर रहे हैं तो डांस हो, उसमें ये तीनों में तीन ताल परफॉर्म किया जाता है. तो तीन ताल है वो एकदम बेसिक ताल है. ओके, और वो इजी भी है ना, इजी होगा ना, तो हम उसको देखेंगे कि तीन ताल में क्या होता है. ओके, यस, तो तीन ताल क्या होता है? ये तीन ताल का बेसिक स्ट्रक्चर है. इसको ताल थ्री ताल भी बोला जाता है और तीन ताल भी कहा जाता है. इसमें 16 मात्राएं होती है. 16 मात्राएं यानी बीट, 16 बीट होते हैं. ओके, हम बोलते हैं ना ता थई थई तर तर, यस, तो ये एक एक बीट होता है. ये ता थई थई, तो ये एक एक बीट है, उसे मात्राएं भी कहा जाता है. तो तीन ताल में 16 मात्राएं होती है, चार खंड, चार विभाग होते हैं. We always see this is one part, this is second part, this is third part and this is fourth part. Okay? तो ये 16 मात्रा है यहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. See, we always see 16 मात्रा है, 16 beat. Yes. तो तीन ताल में सबसे पहले हमने क्या देखा? तीन ताल में 16 मात्रा होती है, 16 बीट होते हैं. फिर चार विभाग होते हैं, चार विभाग होते हैं. जैसे कि ये एक विभाग हुआ, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग और चौथा विभाग. चार विभाग हुए इसमें. फिर ताली, ताली मीन्स हम जब बोलेंगे हाथ पे उसकी पढ़न करेंगे तो उसमें ताली कौन सी मात्रा पे बजती है और खाली कौन सी मात्रा पे आती है वो यहाँ पे लिखा गया है. ताली होती है तीन में. ओके, तीन ताली होती है. जैसे कि सम पे ताली होगी, यहाँ पे ताली होगी और यहाँ पर ताली होगी. तीन ताली बजाई जाती है. जब हम इसकी पढ़न करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी मात्रा पे हमने ताली बजाई है. तो हम तीन बार ताली बजाते हैं ये पठन करते समय, और एक बार खाली दिखाई जाएगी, तो एक बार खाली दिखाई जाएगी. खाली का सिंबल है जीरो. ओके, और ये क्रॉस का सिंबल है सम. सम यानी कि ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं. जो सम हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला बीट होता है उसे सम कहा जाता है. यस, जो पहला बीट होता है उसे सम कहा जाता है. ओके बच्चों, तो हमने देख लिया ये त्रिताल है, तीन ताल है, इसमें 16 मात्राएं होती है. कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है. चार खंड होते हैं, हर एक खंड में चार चार मात्राएं होती है. ये देखो, एक चार खंड है, 1, 2, 3 and 4. ओके, एंड ये पहले खंड में चार मात्राएं हैं, 1
पहली मात्रा हुई सम धा दिन दिन धा धा तीन दिन धा धा तीन तीन ता ता दिन दिन धा धा। ओके एक और बार बोलते हैं, कैसे बोलना है उसे? We will start from first matra, sum से start करेंगे, okay? Da, din, din, da, da, din, din, da, da, din, din, ta, ta, din, din, da, da, okay? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा। अभी हम क्या है 1 2 3 4 से भी कर सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम डांस सीख रहे हैं, तो हम 1 2 3 4 नहीं बोलेंगे, हम डांस की जो लैंग्वेज है वो बोलेंगे, है ना? अगर हमारा इंग्लिश का क्लास चल रहा होता है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं ना। यस, तो अभी हमारा डांस का क्लास चल रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे? डांस की लैंग्वेज यूज करेंगे, है ना? तो डांस के बोल क्या है? धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तीन तीन ता ता दिन दिन धा, है ना? सी एक और बार हम बोलते हैं, ओके? धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तीन तीन ता ता दिन दिन धा धा। ओके एक बार मैं आपको 1 2 3 4 करके भी बता देती हूँ, ओके? 1 2 3 4
हर एक विभाग में चार चार मात्राएं होती है। पहली मात्रा पे सम होता है, दूसरी ताली पांचवी मात्रा पे होती है, फिर खाली होती है नौवीं मात्रा पे, और तेरहवीं मात्रा पे तीसरी ताली होती है। और उसका ठेका कैसे बोलते हैं? उसका ठेका बोलते हैं धा दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा धा तिन तिन, ता ता दिन तिन, धा धा। यस, तो ये हुआ तीन ताल के बारे में बात। अभी ये जो तीन ताल है वो हम चार लय में करते हैं। विलंबित लय, दुगुन लय, तिगुन लय, चौगुन लय एंड अटगुन लय। ऐसे पांच पांच हम अलग अलग लय में करते हैं। विलंबित लय, दुगुन लय, तिगुन लय, चौगुन लय एंड अटगुन लय। ऐसे पांच अलग अलग लय में करते हैं, पर हम वो दूसरे क्लास में देखेंगे। आई होप आप सबको ये जो तीन ताल के बारे में मैम ने बात की है वो समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हमारी जब लाइव क्लास होगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप सबको आज जो तीन ताल हमने करवाया था वो आपको समझ में आया है। अगर कुछ भी आपको उसमें कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।